वंदे मातरम, मातोजे सलाम, जो आपने लिखा था, ये सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट किसका था और हाउ चैलेंजिंग वाज इट, बिकॉज ये एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है एंड इसमें बहुत जरूरी है कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, लोगों का को ऐसा ना लगे कि ये नेशनल सॉन्ग है, उसका इस तरीके से रखा, किस तरीके से रखा जा रहा है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में आप बताना चाहेंगे मुझे। तो देखिए, जब 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस थी हमारी, उस साल हमारे जी भारत अच्छा की आज़ादी की 50वीं सालगिरह थी, तो एआर का मुझे फोन आया कि जल्द से जल्द चेन्नई आ जाए कुछ काम करना। तो मैंने वेंट टू हिज एक्सप्लेन मी द कि हम लोग एक एल्बम करना है। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि एआर का भी पहला एल्बम है ये, एंड मैंने कहा ठीक है, व्हाई नॉट। तो बोले मैं वो, बट इट इज़ वेरी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्बम आई थिंक हमारे करियर का रहेगा। मतलब कैसे, बोले 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे हम लोग को ये एल्बम करना है। मैंने कहा फाइन। बोले पहला गाना आप लोगों को करना है, एंड ही प्लेड अ ट्यून टू मी, ही प्लेड अ ट्यून टू मी। तो वंदे मातरम की ट्यून सुनते हो ना तुम, तो ये ट्यून उसने मुझे दी। अच्छा हाँ, फर्स्ट ही गिव मी द ट्यून, तारा 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 तारा, ये ट्यून उसने मुझे। तो मैंने ट्यून लिया, मैंने कहा, और लास्ट में आता टा 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 डरा डरा डरा, तो ये आ रहा था। मैंने कहा ठीक है, मुझे होटल में जाता हूँ मैं आज रात को, लेट मी स्क्रिबल समथिंग, मैं कुछ सुबह लेके आता हूँ। बोले ठीक है। व्हेन आई वेंट देयर, एंड जब ये तय हो गया था कि ये देश के लिए लिखना है, वंदे मातरम आना चाहिए उसमें, ये वो सब, तो एक मेंटली मैं आई वॉज रेडी कि, पर क्या है अब यही वेर यू ब्रिंग अ डिफरेंस इन योर वर्क, कि मैंने सोचा कि अगर हम पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ले लो तो उसमें बेसिकली होता क्या है, आप कितने भी कर चले, हम फिदा जान वतन साथी हो, या जो भी आप ले लो, ये ना दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए, तो एक पेट्रियोटिज्म कहाँ कहाँ के रुकता है हमारे गानों में अक्सर, कि हम जान दे देंगे और खून बहा देंगे तेरे लिए ए मादरे वतन, बराबर है, और वो सही भी ठीक है। जी मैंने सोचा हम क्यों ना कुछ अलग करें। जी तो व्हाइल सिटिंग इन द होटल हुआ ये कि क्या अलग भी क्या हो सकता है, मुझे मेरी वालदा की याद आई कि शी इज इन बॉम्बे, मुंबई, एंड आई एम इन चेन्नई। तो उस बात से मुझे याद है कि कितने ही लोग हमारे हिंदुस्तान के बाहर है, कमाते हैं या मुल्क से चले गए, बाहर बस गए, मगर फिर भी कहीं वो मातृभूमि की मोहब्बत तो जिंदा है। तो जी 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 मैंने ये सोचा कि क्यों ना उल्टा करें, कि यहां वहां सारा जहां देख वाह नहीं कहीं ऐसा कोई नहीं। और जी एक बचपन में बुक आती थी, बुक थी, नॉवेल थी, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। जी 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 बिल्कुल तो मैंने थोड़ा अच्छा, और एक बात बताना भूल गया मैं, कि हमारा टारगेट है यूथ। रहमान ने कहा कि मैं वो ऐसा गाना लिखा जो यूथ को टारगेट करे, कि यूथ शुड सिंग दिस सॉन्ग। तो मैंने सोचा कि हाँ यूथ को पकड़ना, तो फिर मैंने वो नॉवेल की लाइन लिखी, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। अब ये लाइन लिखकर मेरे जहन में कि इसको सस्पेंस रखते हैं अपन, इसको जरा राज रखते कि क्या बोलना चाह रहा है शायर। तो यहाँ वहां सारा जहां देख लिया, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा, कहीं के तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यारा है बस तेरा प्यार ही। यहां तक क्या लग रहा है, कोई भी सोचेगा किसी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हो। जी 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 अब हम यूथ को टारगेट कर रहे हैं, और लास्ट में मैंने वो सबसे, लेकिन इतना बता दूं कि सबसे पहली लाइन जो मेरे जहन में आई थी वो थी माँ तुझे सलाम, पहली जी लाइन, और उस पर बेस करके मैंने ये सस्पेंस को कैरी ऑन किया। तो जी एक मरतबा मैं और यार, हम वो बैंड्रा आया था किसी काम से, तो हम लोग खड़े थे रास्ते पे, हम दोनों गाड़ी का इंतजार करते, हमारी कार आ रही थी, तो एक एक दूसरी कार गुजरी, उसमें चार छह यंगस्टर्स खड़े थे, एंड वो हम, उन्होंने देखा, रात का वक्त था, उन्होंने देखा नहीं हम दोनों, जैसे गाड़ी गुजरी एंड और फुल लाउड फुल वॉल्यूम पे वो लोग गा रहे थे माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम। तो हम लोग ने एक दूसरे को देखा कि यस वी अचीव्ड आवर टारगेट, कि जवान बच्चे भी गा रहे हैं। सो दिस वॉज द रीजन, द सीक्रेट बिहाइंड दिस, की टारगेट करना था यूथ को और हर कोई गाना गाए, और ये जान देंगे, देंगे बोलने की जरूरत नहीं, तो हम दे ही देंगे, वैसे ही दे देंगे, मातृभूमि मांगेंगे तो दे ही देंगे, अपने वतन के लिए हम कोई भी वतन को प्यार करने वाला दे ही देंगे, लेकिन एक आने की तरफ, तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, मुझको फिर गले लगा, मुझको फिर वो प्यार दे, तेरे पे
जन्नत है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तू ही दिल, तू ही जान, माँ माँ तुझे सलाम। तो ये हमने ये समझ लिया कि हमने एक नजराना पेश किया अपनी माँ को, मातृभूमि को, 50वीं सालगिरह पे, आजादी की सालगिरह पे। और वो फिर स्टेल साउंड नहीं करना चाहिए था, अरे अरे बहुत बार बोल दिया गया, वेरी ऑफ्टन रिपीटेड लाइन, वेरी ऑफ्ट रिपीटेड लाइन, इसलिए मैंने फिर उसको अलग से, जब मैंने नेक्स्ट डे जाके सुनाया, सो एवरीबॉडी वाज डांसिंग एंड प्रांसिंग इन द स्टूडियो, और जब करते वो एआर हम लोग क्या बार सब चिल्ला के हम लोग मां तुझे सलाम, वो गाना गा रहे हम लोग, ज्यादातर ये लाइन करते मम्मा तुझे सलाम। सो इट बिकम हिस्ट्री एट द ग्रेस ऑफ गॉड। आज आज हर आजादी के मौके पे या 26 जनवरी पे ये गाना तो बजता ही है। बिल्कुल बिल्कुल।